नमस्कार एग्जाम हैप्पी पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर जेटेड परीक्षा की तैयारी को लेकर के तो आपको बताते चले जेटेड परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहाँ से भी जैसे भी जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेड परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब जे सी टेस्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा यदि आप जे सी आर टी टेक्सट बुक को पढ़ लें तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप जे सी आर टी जैक की किताब को सिक्स टू टेन तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जे सी आर टी जैक की किताब का चैप्टर बाई चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाई चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाई चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवार ये जाँच परीक्षा जिसमें महामैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं जिससे कि आपका 101 प्रतिशत सफलता अवश्य मिलेगी ठीक है और बहुत सारे सब्जेक्ट का आप नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है तो आप सभी अब अवश्य यहां से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा तो एक से पाँच की तैयारी के लिए अभी आपको पाँच सौ लगेंगे या छः से आठ की भी तैयारी करना है तो पाँच सौ लगेंगे और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी सात सौ लगेंगे और हाँ आपको एक चीज़ और बता देते हैं हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज़ भी एक लॉन्च किया गया है जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का उनको लगता है

तो टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चलाई जा रही है टेस्ट सीरीज वो जीरो थ्री टेस्ट सीरीज जीरो थ्री का यहाँ पर हम सॉल्व लेकर के आए हुए हैं हल प्रश्न पत्र लेकर के आए हुए हैं तो सबसे पहले आपको बता दें टेस्ट सीरीज़ जो जीरो थ्री हुआ उसके विजेता कौन कौन रहे हैं उनको प्राइज किस प्रकार से मिले हैं ठीक है ठीके? तो सबसे पहला यहाँ नलिल सोरेन जी चतरा के रहने वाले हैं इनको पचास का पुरस्कार राशि दिया गया है सरिता मुर्मू जी जो हजारीबाग की रहने वाली है इन्हें बीस रुपये का पुरस्कार दिया गया रेशमा कुमारी जी जो सरायकेला की रहने वाली है इन्हें दस रुपये का पुरस्कार दिया गया सभी विजेता से अनुरोध होगा कि वे अपना फोन पे नंबर हमें मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे जिससे आपके पुरस्कार की राशि दी जा सके ठीक है तो अब और, और आपको बता देते हैं यदि जो अब तक नहीं जुड़े हैं टेस्ट सीरीज में तो आपको बता देते हैं यह टेस्ट सीरीज विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा से लिया गया है बनाया गया है जिसमें आप विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न को ही सॉल्व कर रहे हैं आप ये नहीं समझिएगा कि सिंपल है तो आप यहाँ पर जुड़ जाइएगा सिर्फ बीस टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको दो देने हैं बीस टेस्ट सीरीज के लिए दो सौ देने हैं और इस बीस टेस्ट सीरीज में आपको प्रत्येक टेस्ट सीरीज में पुरस्कार की राशि इस प्रकार है पुरस्कार की राशि प्रथम पुरस्कार पचास की है द्वितीय पुरस्कार बीस की है तृतीय पुरस्कार दस के ठीक है पुरस्कार के संबंध में हमारा यूट्यूब टीम कभी भी कुछ भी निर्णय ले सकता है लेकिन यहाँ पर जो थर्ड सीरीज हुई है उसमें यहाँ पर पचास बीस और दस का है आगे पुरस्कार की राशि बढ़ाई भी जा सकती है ठीक है इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा जो अब तक नहीं जुड़े हैं टेस्ट सीरीज के लिए और बाकी तो आपकी क्लासेज चल ही रही है सभी क्लासेज की तैयारी आपको जे सी आर टी जैक की किताब से करवाई जा रही है ठीक है चलिए पहला प्रश्न देखिएगा टू का पावर जीरो प्लस थ्री का पावर जीरो प्लस फाइव का पावर जीरो प्लस सिक्स का पावर जीरो का मान क्या होगा आपको बताना है ठीक है देखिए एक चीज़ याद रखिएगा किसी का भी पावर जीरो दे दिया जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स का पावर जीरो तो इसका मान एक होता है ठीक है अब की जगह पर कोई सौ भी रख दे और उसका भी पावर जीरो कर दे तो उसका भी मान एक ही होगा याद रखिएगा अगर कोई एक करोड़ भी कर दे और उसके ऊपर भी पावर जीरो कर दे तो इसका भी मान एक होगा क्लियर हो गया होगा ना प्रश्न बहुत बार आया हुआ है बहुत एम प्रश्न है तो टू का पावर जीरो एक हो गया थ्री का पावर जीरो एक हो गया प्लस फाइव का पावर जीरो एक हो गया प्लस सिक्स का पावर जीरो एक हो गया जोड़िएगा दो तीन चार यानी राइट आंसर इसका चार हो जाएगा डी ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिएगा एक डब्बा में एक डब्बा में सात हरा रंग का तथा बारह पीला रंग का पेंसिल है तो हरा रंग वाले पेंसिल का पीला रंग वाले पेंसिल के साथ अनुपात ज्ञात करें ठीक है देखिए अनुपात में सबसे पहले देखिए कि क्या कौन सा चीज़ बोल रहा है ठीक है सात गो हरा रंग है और बारह गो पीला रंग है अनुपात कैसे निकालना है हरा रंग वाले का पेंसिल का पीला रंग वाले का तो हरा ऊपर हो जाएगा जो पहले बोल रहा है ऊपर और यहाँ पर पेंसिल का पीला तो पीला नीचे हो जाएगा ठीक है पीला नीचे हरा कितना हो गया सात है तो सात हो गया पीला कितना हो गया बारह है तो बारह हो गया यानी कितना हो जाएगा आपका सात अनुपात बारह हो जाएगा तो सात अनुपात बारह किस में है आप देख लीजिएगा तो सात अनुपात बारह आपका सी में है इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा क्लियर हो गया होगा ना चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा एक लीटर दूध का मूल्य साठ रुपये है तो पाँच लीटर दूध का मूल्य क्या होगा ये जेटेट जेटेड का प्रश्न है झारखंड टेट का प्रश्न है दो हज़ार तेरह का प्रश्न है ठीक है तो एक लीटर दूध हमको साठ रुपये मिलता है तो पाँच लीटर कितना होगा बताइएगा तो ये तो बहुत ईजी सवाल था देखिए इसी तरह के प्रश्न कभी कभी आपके लक से आ जाते हैं तो उस समय लोग ना प्रैक्टिस करके रहते तो दिक्कत हो जाता है तो साठ रुपये कितना हो गया तीन सौ देखिए जो 2013 था ना जो 2013 का जेटेड यहाँ पर हुआ था उसमें प्रश्न में क्वालिटी नहीं थी ठीक है लेकिन आपको बता देते हैं कि इतना कम समय था इतना कम समय था कि आपको पता भी नहीं होगा 90 मिनट में डेढ़ सौ प्रश्न बनाना था क्वालिटी यही था कि कौन पढ़ पा रहा है प्रश्न को बहुत लोग प्रश्न को डेढ़ सौ प्रश्न को पढ़ ही नहीं पाए यहीं पर फेल होने का रीजन था जो डेढ़ सौ प्रश्न को पढ़ दिए उनका रिजल्ट हो गया था ठीक है तो यहाँ पर देखिए इस सरकार जो है बहुत तरह की नीति अपनाती है आपको उस नीति में सक्सेस होना है ठीक है जब समय कम देगी जब समय कम देगी तो आपको क्या होगा प्रश्न को हल्का करेगा ठीक है जब समय कम देगा तो प्रश्न को हल्का करेगा जब समय ज़्यादा देगा तो प्रश्न को भारी कर देगा तो यही जब नीति चलता है तो हर समय आपको किसी न किसी स्तर से एक स्तर से मजबूत होना होगा तभी आप कुछ कर पाइएगा ठीक है तो ये तीन सौ रुपया हो गया चलिए नेक्स्ट प्रश्न है चौथा देख लीजिएगा टू का पावर जीरो इंटू वन का मान क्या होगा ए जीरो होगा वन होगा थ्री होगा या टू होगा क्या होगा ठीक है तो टू का पावर जीरो कितना हो गया वन और गुने वन वन गुने वन करेंगे तो कितना होगा वन यही इसका राइट आंसर हो जाएगा वन हो जाएगा क्लियर चलिए अगला है चारों तरफ से चारों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं चारों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं महाद्वीप द्वीप और टापू या महासागर ठीक है तो चारों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर महासागर के सेंस में लेंगे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है आपको बताना है ठीक है तो यहाँ पर आप देखिएगा तो इसके अनुसार आपको यहाँ हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला देखिएगा अगला यहाँ पर है एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है सी ओ टू सी ओ एफ सी या कोई नहीं देखिए यही प्रश्न पूछा गया था एयर कंडीशनर जो होते हैं या रेफ्रिजरेटर उसे सी गैस निकलती है कौन सी गैस निकलती है एफ सी क्लोरो फ्लोरो कार्बन और ये क्या करती है तो ये ओजोन परत को नष्ट करती है ओजोन परत को कम करने में इसका बहुत अधिक योगदान है और अभी देखिएगा सबके घर में एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर होना अनिवार्य हो गया ऐसा लगता है कि इसके बिना लोगों की ज़िंदगी नहीं चलेगी लेकिन इसके बिना ज़िंदगी जब चल रही थी तब हमारा यहाँ क्या था तब पर्यावरण सही था उसमें सी गैस नहीं थी और ये ओजन परत को कम नहीं कर रही थी जिसके कारण हमारा जो है गर्मी बहुत कम होता था ठीक है चलिए आगे देखिएगा पीने योग्य जल या शुद्ध जल या मीठा जल पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है पीने योग्य जल शुद्ध जल या मीठा जल पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है ये भी जेटेड का प्रश्न है पूछा गया प्रश्न है ठीक है और देखिए ये कहाँ पर कहा निकला था सब जैसे सी आर टी बुक से आया था दो प्रतिशत दो दशमलव सात तीन या आ, कोई नहीं ठीक है तो देखिए पीने योग्य जल को ऐसा आप देख के चलिएगा तो ये पूरा जो है आपको टू टू पॉइंट सिक्स से लेकर के टू पॉइंट नाइन तक वाले को सही माना गया है आंसर ठीक है कहे क्योंकि रेट तीन परसेंट नहीं हो पाता है तो अभी यहाँ पर हो गया कितना तुम दो दशमलव सात प्रतिशत लेके चलिएगा इसका ज़्यादा बेस्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है दिगू समास का उदाहरण है दिवगु समास का उदाहरण है आपको बताना है इसमें कौन दिवगु समाज का उदाहरण है सब प्रश्न देखिए ये माता पिता क्या है माता पिता बीच में योजक चिन्ह है ना योजक चिन्ह है तो कौन सा समास होता है बताइए द्वंद समास होता है ठीक है यथा यथाशक्ति जि, जिसमें भी यथा लगा वो किस में चला जाता है अब यही भाव समास में चला जाता है ना अब देखिए यहाँ पर नौ ग्रह तो नौ ग्रहों का समाह नौ ग्रहों का समाह नौ क्या है संख्यावाचक है तो संख्यावाचक जो शब्द हो, होता है वो किस में जाता है दिवगु में जाता है तो यही नौ ग्रह जो है आपका दिवगु में चला जाएगा ठीक है चलिए नौ ग्रह इसका आंसर होगा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है आपको बताना ना हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है प्रश्न पूछे गए हैं ब्राह्मी लिपि देवनागरी खरोष्टी या गुरुमुखी ठीक है तो हिंदी जो है आपकी देखिए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है नीचे दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन करें नीचे दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन करना है ठीक है आम्र है दूध है शहीद है खिड़की है क्या होगा देखिए तत्सम शब्द किसको कहते हैं तो जो संस्कृत का शब्द होता है जो संस्कृत का शब्द होता है वो तत्सम शब्द होता है ठीक तो है? है तो संस्कृत का शब्द इसमें कौन है बताइएगा संस्कृत का शब्द कौन है तो देखिए आम्र 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 संस्कृत का शब्द है ठीक है इसका हिंदी होता है आम आम हाँ, तो आम्र संस्कृत का शब्द है इसलिए आम्र ही तत्सम शब्द होगा क्लियर चलिए अगला देखिए मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनोरथ का संधि विच्छेद होगा क्या होगा बताना है आपको ठीक है तो मनह जोड़त मन जोड़ औरत मनोजोड़ या मन जोड़ रथ ठीक है तो मनोरथ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा मनह जोड़ रथ हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिएगा चूज द प्लोरल ऑफ गिवेन वर्ड्स जो वर्ड्स दिए गए हैं नाइफ इसका प्लोरल क्या होगा नाइफ का प्लोरल क्या होगा नाइफ नाइफ्स नाइफ नाइफी नाइफ, नाइफ, थी, ठीक है तो जो एफ या ए फी प्लोरल में रहते हैं उसको भी ई में बदल के एस लगा देते हैं ठीक है तो एफ या एफ ई को भी में बदल के एस लगाते हैं नाइफ्स हो जाएगा क्या हो जाएगा नाइफ्स हो जाएगा राइट आंसर इसका सी हो जाएगा अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेलिंग चूज द करेक्ट स्पेलिंग इसमें से सही स्पेलिंग को चुने सही स्पेलिंग कौन सा है रिसीव रिसीव रिसीव्ड रिसीव्ड ठीक है तो इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाता है रिसीव का आर ई सी ई आई भी ई रिसीव ठीक है तो रिसीव सही आंसर इसका हो जाएगा चूज द करेक्ट स्पेलिंग देखिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग इसमें से स्पेलिंग चुनिएगा ठीक है एफ बी -E फरवरी 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 कौन होगा ठीक है तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा फरवरी का स्पेलिंग तो एफ ई बी आर यू ए आर वाई ठीक है फरवरी होता है एफ बी आर यू ए आर वाई किस में आ रहा है आपका सी में आ रहा है तो सी आपका राइट right आंसर हो जाएगा देखिए इसी तरह के प्रश्न आते हैं लेकिन आपको समय कम रहने के कारण आप बना नहीं पाते हैं या सही नहीं होने के कारण बना नहीं पाते जो बनाते हैं अच्छे अंक लाते हैं 130 140 तक भी चला जाता है डेढ़ सौ में तो देखिए प्रश्न तो इसी तरह का होना भी चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम जब है तो एग्जाम यहाँ पर टीचर का हो रहा है एक से पाँच का हो रहा है छः से आठ का हो रहा है तो ये सब होना चाहिए ठीक है चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग इसमें कौन सा स्पेलिंग गलत है उसको चुनना है ठीक है तो जनवरी का देखिए जे एन यू आर जनवरी सही है ना दिसंबर डी ये दिसंबर भी सही है ए यू जी अगस्त भी सही है एफ ही बी फरवरी गलत लिखा हुआ है फरवरी गलत लिखा हुआ है इनकरेक्ट स्पेलिंग को ही चुनना था इनकरेक्ट कौन है सी है राइट आंसर इसका सी हो जाएगा ठीक है देखिए आगे अगला प्रश्न है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है बताइए एक शिक्षक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है आपसे पूछा है ठीक है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना कक्षा में समयानुवर्ती होना विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना एक सुवक्ता होना ठीक है तो क्या होना चाहिए एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों की जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करना सबसे इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है एक शिक्षक का बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है व्यक्तित्व निर्माण में कक्षा शिक्षण में अनुशासन में सभी में तो राइट आंसर इसका सभी कर दिएगा ठीक है चलिए अगला देखिएगा ओ का फुल फॉर्म है ओ का फुल फॉर्म है ठीक है ओ का फुल फॉर्म क्या है आउट प्रोटोन डिपार्टमेंट ओल्ड पेशेंट डिपार्टमेंट ओल्ड पेंशन डिपार्टमेंट और यहाँ पर क्या है तो यह कोई नहीं तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर है आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर जो है नहीं दिया गया है ठीक है नहीं दिया गया है इसका आउटर ओ का फुल फॉर्म यहाँ पर नहीं क्लियर किया गया है अगला है संविधान का अनुच्छेद असमानता को दूर करता है अनुच्छेद पंद्रह अनुच्छेद सोलह अनुच्छेद सत्रह ठीक है असमानता को कौन दूर करता है आपको बताना है ठीक है तो संविधान का अनुच्छेद जो है यहाँ पर सत्रह वो असमानता को दूर करता है एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए राजनीति का सामाजिक का शिक्षा मनोविज्ञान का या कोई नहीं ठीक है तो एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए वो है शिक्षा मनोविज्ञान का एक व्यक्ति की उम्र दस वर्ष है उसकी मानसिक आयु भी दस वर्ष है व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होगी ठीक है व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होगी बुद्धि लब्धि का सूत्र देखिए आपको दे दिए हैं मानसिक आयु तो उसकी मानसिक आयु दस वर्ष है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु तो व्यक्ति वास्तव में वह वा दस वर्ष का है और इंटू सौ होता है ठीक है सौ यानी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी सौ हो जाएगी सौ किस में है तो सौ आपका सी में है सी राइट आंसर हो जाएगा राइट द अंटोनियम ऑफ वर्ड नेभर ना राइट द अनटोनियम ऑफ वर्ड नेभर नेभर का अपोजिट uh, वर्ड क्या होगा आपको बताना है रिमाइंडर लेटर आलवेज या नन क्या होगा ठीक है तो नेभर मतलब कभी नहीं नेभर का हिंदी होता है कभी नहीं तो उसका उसका जो विपरीत शब्द होगा वो क्या होगा सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है आलवेज तो आलवेज इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है चलेगा देखिएगा एक छात्रावास में बीस आदमी के लिए एक सौ बीस दिन का भोजन उपलब्ध था बीस आदमी और छात्रावास में आ गए तो भोजन कितने दिन चलेगा ठीक है देखिए आदमी और दिन पर आधारित प्रश्न है आदमी और दिन पर आधारित प्रश्न ये है ठीक है इसमें कैसे होता है देखिए तो बीस आदमी के लिए एक सौ बीस दिन का भोजन था आदमी और दिन दिया हुआ है तो फर्स्ट स्टेटमेंट से यहाँ भोजन उपलब्ध है पहला वाक्य से इतना दूर लिख देंगे बीस आदमी के लिए एक दिन का भोजन था अब 20 आदमी और छात्रावास में आ गए तो बताइए टोटल आदमी कितने हो गए 120 थे 20 और आ गए 140. तब भोजन कितने दिन चलेगा ये आपसे पूछा है ठीक है तब भोजन कितने दिन चलेगा ये आपसे पूछा है ठीक है तो आप इसको बना करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 किसी 20 आदमी के लिए 120 दिन का था ठीक है और आ गए 20 आदमी और छात्रावास में आ गए तो 20 आदमी के लिए 120 दिन का भोजन था 20 आदमी और, तो और आ गए तो 20 आदमी और आ गए यानी यहाँ चालीस आदमी होगा यहाँ कितना होगा गया एक नहीं चालीस आदमी होगा ठीक है बीस आदमी और आ गए ये दिन दिया हुआ था एक दिन ठीक है तब कितने दिन का होगा तो इसको काट लीजिएगा ठीक है और इसको काट लीजिएगा बीस से ये चालीस दो बार में कट गया दो से ये साठ तो इसका आंसर हो जाएगा साठ हो जाएगा ठीक है चलिए देखिए इसमें कौन चुंबकीय पदार्थ आपको बताना है इसमें कौन चुंबकीय पदार्थ है लोहा पेपर लकड़ी या प्लास्टिक तो जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है वो चुंबक पदार्थ होगा तो इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो चुंबक को अपने आकर्षित करता है लोहा है ठीक है right का तो राइट आंसर इसका लोहा होगा तो देखिए आप भी यदि चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज में जुड़ें अपने जिले का नाम रोशन करें हम भी प्राइज़ लें तो आप अभी वीडियो देखने के बाद हमारे मोबाइल नंबर दिए गए हैं नाइन सिक्स थ्री नाइन नाइन सिक्स नाइन सिक्स थ्री वन जीरो और यहाँ पर हो जाए टू टू सिक्स पर आप संपर्क कर सकते हैं ठीक है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं ठीक है तो इसको आप देख लीजिए धन्यवाद